ग्वालियर में पानी सप्लाई टेंडर मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने घोटाला मामले में शिकायत के बाद की गई जांच के आधार पर नगर निगम पीएचई शाखा के पूर्व कार्यपालन यंत्री पर एफआईआर दर्ज की है। शहर के जल प्रदाय टेंडर में हेर फेर कर 90 लाख का घोटाला करने का आरोप है। ग्वालियर शहर के पाटनगर बाजार इलाके में रहने वाले अशोक पाल नाम के व्यक्ति ने ईओडब्ल्यू में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि नगर निगम ग्वालियर के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरएन करैया और अन्य अधिकारियों व ठेकेदारों ने मिलकर बड़ा घोटाला किया है। शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू करते हुए सबूत के आधार पर आरोप सही पाए। साल 2006 से 2011 के बीच हुए जल प्रदाय से जुड़े टेंडर में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरएन करैया ने अपने चहितों को भुगतान कराया था। 18 करोड़ के पीएचई घोटाले में पहले से ही आरएन करैया जेल में बंद है। अब इस नए घोटाले के बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। वर्ष 2000 में ईओडब्ल्यू को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार नगर निगम में तत्कालीन पदस्थ कार्यपालन यंत्री करैया जी के खिलाफ थी। उस समय एक योजना चल रही थी, जो पुराने बोर थे उनको गहरे किए जाके उनमें मोटर वगैरह डला के उनमें जल प्रदाय योजना का मामला था। तो उसमें प्रारंभिक तौर पर जब जांच की गई तो बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई और कुछ ठेकेदारों को जो अनुबंध किए गए थे उनमें कुछ कूट रचना जैसी चीज़ें भी प्राथमिक तौर पर सामने आई थी। तो उसके आधार पर जाँच पूरी करके और उसमें अपराध के लक्षण पाए जाने पर प्रथम सूचना दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।